स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेस। सबसे पहले पोल्यूशन में हमें ये पता होना चाहिए कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। सो पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन हार्मफुल कंसेंट्रेशन एंड आर द एजेंट्स हु कॉज पोल्यूशन आर टर्म्ड एज द पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एनओएक्स यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। वो सब्सटेंसेस जो हार्मफुल कंसेंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो एजेंट्स हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, हमें उन्हें क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन द ओरिजिन। सबसे पहले इसमें आता है बेस्ड ऑन द ओरिजिन में प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी क्या होते हैं? विच आर डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, हम उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और यही पॉल्यूटेंट जो हैं अबाउट 90% ऑफ द जो पोल्यूशन है वो क्रिएट करते हैं, वो एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है इसमें? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सल्फर हो गया। उसके बाद हमारे पास हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। वो पॉल्यूटेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्शन बनती है, उसके बाद जो पॉल्यूटेंट नया निकल के आता है हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि ओजोन हो गया, O3, और क्या हो गया हमारे पास? पैन। उसके बाद हमारे पास है बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर कि कौन सी स्टेट में वो प्रेजेंट हुआ है। हमारे पास तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन से वो मैटर में प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमारे पास दो हैं, गैशियस और पर्टिकुलेट। इसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स। दूसरे में कौन सा है? डस्ट, पर्टिकुलेट में और फ्लाई ऐश। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। अब हमने जैसे पढ़े थे प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के होते हैं। प्राइमरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इसमें दो आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक कलरलेस गैस है, ऑडरलेस गैस है, जो प्रोड्यूस होती है बाय द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। इनकम्प्लीट कम्बशन जो होती है फॉसिल फ्यूल्स की, उससे क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो बनाता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। इट मेक्स अ स्लीपी एंड कन्फ्यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस है जो एमिट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। लाइक इसमें हम बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसकी वजह से क्या होता है? हेडेक होता है, उसके बाद अनकॉन्शियसनेस होती है इसके वजह से, और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? दीज गैसेज जो हैं वो रिलीज होती हैं फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड रेफ्रिजरेटर से। उसके बाद ऑल्सो प्रेजेंट इन द एमिशन ऑफ जेट प्लेन्स के एमिशंस में भी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सबसे बड़ा मेन रोल है, इट लीड टू डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती है, ओजोन होल जो होता है वो इन्हीं के कारण होता है, मोस्टली CFC का जो क्लोरीन पार्ट है उसकी वजह से क्या होता है? जब ये एटमॉस्फेयर से जाके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में मिक्स होता है गैसेस के साथ, तो ये ओजोन डिप्लीशन को करता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोल मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स से। ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है? फ्रॉम द बर्निंग कोल मेनली इन द थर्मल पावर प्लांट्स। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है लीड्स टू मैनी रेस्पायरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इसमें मोस्टली रेस्पायरेशन की जो प्रॉब्लम है जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, वो होता है। और ये क्या करता है प्लांट्स में? ये प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्लोरोसिस जो है प्लांट्स में करता है, जिसमें येलोइनिंग ऑफ लीव होता है, लीव का जो कलर है ग्रीन कलर का वो धीरे धीरे येलो होना शुरू हो जाता है और साथ में प्लांट की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले ओजोन।
ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब ओजोन जो है एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर पार्ट में प्रेजेंट होती है वो होती है बैड ओजोन, और अगर यही ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होगी तो वो क्या होगी, गुड ओजोन। दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन होती है वो बनती है बाय द रिएक्शंस ऑफ नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए यह है एक्ट करती है एज अ पॉल्यूटेंट। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये गुड ओजोन है क्योंकि ये हार्मफुल जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको अर्थ में आने से रोकती है ये। दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्मॉग। स्मॉग जो है वो कम्बिनेशन है स्मोक का और फॉग का। स्मोक होता है एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स होते हैं, और फॉग होता है एक एरोसोल होता है जो क्या होता है, टैनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में, ये वो होता है। दोनों के कम्बिनेशन से क्या बनता है, स्मॉग। और ओजोन जो है प्राइमरी कंपोनेंट है किसका, फोटोकेमिकल स्मॉग का। जब ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ये अर्थ को बचाती है यूवी रेडिएशन से, लेकिन वही जो ओजोन जब आती है ग्राउंड लेवल पे तो वो बैड ओजोन बन जाती है। स्मोक जो है, स्मोक क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, रिड्यूस करता है विजिबिलिटी, मतलब इसकी विजिबिलिटी जो है वो 1 किलोमीटर से भी लेस हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन ऑन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।